शिव ने सुंबुल को नॉमिनेट कर दिया। जी हाँ, कुछ इस तरह से जो शिव की मंडली है उसमें फूट पड़ चुकी है। धीरे धीरे आप सबने देखा ही कि कैसे शिव की मंडली जो है वो बिखरती जा रही है, लेकिन अब यहाँ पर जो देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, और वो ये है कि शिव ने सुंबुल को नॉमिनेट कर दिया है, जिसे देखने के बाद सुंबुल जो है वो एकदम शॉक्ड हो गई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि निमृत ने जो है वो साजिद को नॉमिनेट कर दिया है, और इस तरह से पूरी तरीके से ये जो मंडली है वो बिखर गई है। वेल, आपको बता दें कि शिव को चुनना था साजिद और सुंबुल में से किसी एक को, जिसके बाद शिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं और दोस्ती को दाव पर लगा देते हैं और सुंबुल का नाम ले लेते हैं और सुंबुल की बत्ती गुल कर देते हैं और उन्हें नॉमिनेट कर देते हैं। ये देखने के बाद सुंबुल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर जो ये चीज़ें होती हैं उसे देखकर प्रियंका को काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि निमृत जो है वो भी बड़ा गेम खेलती नजर आती है। निमृत जो है वो सुंबुल को बचा लेती हैं और साजिद को नॉमिनेट कर देती हैं, जिसके बाद साजिद जो है वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं। आपको पता ही है कि साजिद जो है वो निमृत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और इससे पहले भी वो काफ़ी खरी खोटी सुना चुके हैं निमृत को। निमृत जो है जब सेफ हुई थी तो उस वक्त भी साजिद बहुत नाराज़ हुए थे और कहते नजर आए थे कि तुम्हारा क्या, तुम तो सेफ हो गई हो, और ये सुनने के बाद वो उन्हें इतनी खरी खोटी सुनाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर निमृत जो है वो बहुत परेशान होती है। लेकिन यहाँ देख लीजिए, निमृत ने कमाल कर दिया और निमृत ने जो है वो कर दिया है साजिद को नॉमिनेट, और ये देखने के बाद साजिद का पारा काफ़ी हाई हो जाता है। एक बार फिर से उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हैं साजिद। वेल, निमृत को लेकर साजिद हमेशा से ही बहुत सारी बातें कहते नज़र आते हैं। वो यहाँ पर निमृत को ये भी कह देते हैं कि डेली सोप चल रहा है, और इसके साथ साथ शिव भी अच्छी तरह से जानते हैं कि निमृत जो है कभी भी पलटी मार सकती हैं। ये पूरी की पूरी जो मंडली है वो एक तरीके से बिखर चुकी है। वेल, आपको पता ही है कि इस पूरी मंडली के जो मेन है वो है साजिद, निमृत और शिव। इन तीनों की मंडली जो है वो अब पूरी तरीके से बिखरती हुई नज़र आ रही है। तो दूसरी तरफ हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, और वो ये कि स्टैन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आई थी प्रियंका। वेल, प्रियंका का गेम जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। भले ही इस शो से निकल चुके हैं अंकित गुप्ता, लेकिन फिर भी प्रियंका ज़बरदस्त खेलती नज़र आ रही हैं, और जिस तरीके से शिव की मंडली बिखर गई है उसे देखकर प्रियंका को काफ़ी अच्छा लग रहा है, और प्रियंका जो है वो पूरे जोश के साथ खेलती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर शिव और सुंबुल के बीच जो दोस्ती है वो टूटती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये गेम का हिस्सा है। अब ऐसे में यहाँ समझना होगा सुंबुल को कि ये सिर्फ एक गेम है। ऐसे में क्या वो शिव को माफ़ करती हैं, क्योंकि यहाँ पर शिव ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया है। तो अब माना जा रहा है कि अब इसमें भी क्या बिग बॉस की जो है वो चाल है, या फिर शिव ने खुद ही ये चीज़ें की हैं। क्योंकि आप सबको पता ही है कि शिव जो है वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और वो जानते हैं कि बिग बॉस कैसे खेला जाता है, क्योंकि वो मराठी के जो विनर हैं वो रह चुके हैं। ऐसे में शिव को अच्छी तरह से पता है कि कैसे खेला जाता है। अब ऐसे में जब उन्होंने सुंबुल को नॉमिनेट कर दिया है तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में ये दोस्ती जो है वो दाव पर लग चुकी है। फिलहाल आप सब क्या कहेंगे जिस तरह से ये गेम चल रहा है शिव और सुंबुल के बीच, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बिग बॉस के लेटेस्ट अपडेट के लिए फिर भी सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।